डेली वेरी एक और लॉस मेकिंग स्टार्टअप जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है इस वीडियो में हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में इस कंपनी के फाइनेसियस देखेंगे इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जानेंगे एंड लास्ट में क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं बट उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके मैं हूं हूँ प्रदीप राजपूत शुरू करते हैं आज का वीडियो डेलीवेरी एक और लॉस मेकिंग स्टार्टअप जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है बेसिकली ये कंपनी 2011 से इस बिजनेस में है एंड आज की डेट में ये कंपनी अपने मोर देन 83,000 थ्री के थ्रू मोर देन 23,000 कस्टमर्स को इन इन डिफरेंट कैटेगरीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड आज की डेट में ये कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कंपनी है एंड इसके अलावा ये कंपनी कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जैसे कि ई कॉमर्स रिटर्न सर्विस इंस्टॉलेशन असेंबली सर्विस पेमेंट प्रोसेसिंग एंड कलेक्शन सर्विस एंड फ्रॉड डिटेक्शन सर्विस एंड इस कंपनी की मोर देन सिक्सटी परसेंट रेवन्यू एक्सप्रेस पार्सल सर्विस के थ्रू आती है एंड यहीं पर इस कंपनी की मोर देन फोर्टी परसेंट की सी से ग्रोथ भी हो रही है एंड अगर हम पूरे इंडिया की एक्सप्रेस पार्सल सर्विस की बात करें तो इस कंपनी का ट्वेंटी का मार्केट शेयर है एंड in इंडिया की ऑलमोस्ट ऑल दी फेमस कंपनीज को ये कंपनी एक्सप्रेस पार्सल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अब इस कंपनी की रेवेन्यू ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू आती है और उसके अलावा इस कंपनी के क्लाइंट्स इन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आते हैं अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखें तो मोर देन 96 परसेंट रेवेन्यू ये इस कंपनी की सर्विसेज के थ्रू आती है एंड फोर परसेंट रेवन्यू आती है इसमें सेल ऑफ गुड्स के थ्रू गेटवेज सॉर्टिंग सेंटर फुलफिलमेंट सेंटर कलेक्शन सेंटर रिटर्न प्रोसेसिंग सेंटर्स या फिर डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर्स इन सब का इस कंपनी ने पूरे इंडिया में काफी बड़ा नेटवर्क बना लिया है बिकॉज किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी के लिए उस कंपनी का नेटवर्क वो उसकी बैकबोन होता है इंडिया में टोटल 19,300 पिन कोड्स हैं। उसमें से ये कंपनी 17,045 पिन कोड्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये कंपनी इंडिया के टोटल पोस्टल एरिया का मोर देन 88 परसेंट कवर करती है ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है इंडिया के अलावा यह कंपनी यूएस सिंगापुर बांग्लादेश एंड श्रीलंका में भी ऑपरेट करती है ग्रोथ टेक्नोलॉजी डेटा इंटेलिजेंस इनका सर्विस पोर्टफोलियो इनका एसेट लाइट मॉडल एंड इनकी एक्सपीरियंस टीम ये इस कंपनी की स्ट्रेंथ है लॉजिस्टिक सेक्टर अपने आप में एक पॉपुलेटेड सेक्टर है एंड ये कंपनी मार्केट में इन इन कंपनीज के साथ कम्पीट करती है अब इस कंपनी को फर्दर एक्सपेंशन के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है एंड उसके लिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 5,325 करोड़ रुपीस का इसमें से 4,000 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है एंड जो इस आईपीओ के थ्रू पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उनका ये कंपनी यूज करेगी अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए बेसिकली अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए आई मीन फर्दर एक्विजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए एंड कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए इलेवंथ मे को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा थर्टीथ मे को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड ट्वेंटी फोर्थ मे को इस कंपनी की बोथ बी एंड एन में लिस्टिंग होगी फोर हंड्रेड से फोर हंड्रेड का प्राइस बैंड है एंड थर्टी शेयर का लॉट साइज है इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी फोर्टीन थाउंड की एंड इस आईपीओ में ट्वेंटी फाइव रुपी का डिस्काउंट भी है सो so, अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियस अगर हम इस कंपनी की सेल्स देखें इस कंपनी के एसेट्स देखें तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं इनफैक्ट इस कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रहा है इस कंपनी की सेल्स ये अप्रोसीमेटली 50% के सीएजीआर से इंक्रीज

And इसी वजह से इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड ये सब कुछ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बट अगर हम इस कंपनी का कैश फ्लो देखें तो यह कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंटिन्यूसली नेगेटिव कैश जनरेट करती आ रही है सी अगर कोई कंपनी अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव कैश जनरेट करती है तो वो नॉर्मली अच्छा माना जाता है बिकॉज कंपनी फ्यूचर के लिए एसेट्स बिल्डअप कर रही है बट अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेशंस में नेगेटिव कैश जनरेट कर रही है दैट मीन ये कंपनी एफिशिएंटली चल भी नहीं पा रही है आई I मीन mean, अपनी डे टू डे ऑपरेशन में भी ये कंपनी कैश बर्न करती जा रही है एंड अपनी इस कैश रिक्वायरमेंट को ये कंपनी फुलफिल करती है या तो लोन लेकर या फिर फर्दर कैपिटल रेज करके एंड इसी वजह से इस कंपनी कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये पॉजिटिव है सो नाउ अब क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं मेरे हिसाब से आपको इस आई से बिल्कुल दूर रहना चाहिए आपको इस आई को ऑब्जर्व करना चाहिए बिकॉज हमने पास्ट में भी देखा है दैट लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स को आईपीओ में तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला था एंड उनकी लिस्टिंग भी अच्छी हुई थी बट अगर हम आज की डेट में उन कंपनीज के शेयर प्राइस को देखें तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के शेयर प्राइस वो आई प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं एंड इनमें बहुत सारी फेमस कंपनियां भी इंक्लूडेड है सो so, मेरे हिसाब से तो आपको इस आईपीओ से दूर रहना चाहिए एंड इसको ऑब्जर्व करना चाहिए आर चांसेस मार्केट आपको एक आईपीओ प्राइस से भी बेटर अपॉर्चुनिटी देगा इस कंपनी में एंटर करने के लिए एंड साथ ही साथ जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर बारह तेरह लॉजिस्टिक कंपनी के गोडाउन है उनमें से सिर्फ एक डेली वेरी का गोडाउन ही ऐसा है जो ऑलमोस्ट हमेशा खाली पड़ा रहता है उस पर्टिकुलर गोडाउन में सबसे कम ट्रकों की मूवमेंट्स होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने इस तरह के काफ़ी सारे गोडाउंस बना रखे हो जो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं दैट हमारे पास इतने गोडाउंस है इतने फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं बट रियलिटी में वहां से कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं होता वो कंपनी के लिए सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर होता है सो so, इस आई को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना इसका डिसीजन आपको खुद लेना है एंड प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ बट जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं उन फैक्टर्स को आपको एक बार जरूर कंसिडर करना चाहिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you.